तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम दिखाएंगे फ्रेंड्स, ये जो पॉट देख रहे हैं रॉक स्टाइल का पॉट है और एक बुनजाई के लिए हमने पॉट बनाया था। तो आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे कि हमने इसको बनाया कैसे है और पेंट कैसे किया है, कि ये जो रॉक स्टाइल का जो प्लांटर हमने बनाया है वो पूरी तरह से आप लोग भी बनाना सीख जाएं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, हम इसको कैसे बनाते हैं। तो सीमेंट का रेशियो रहेगा 1/3 रेत और 1/3 सीमेंट। आप मिक्सचर बना लेंगे सीमेंट का रेत के साथ। उसके बाद हमने ये ऐसा डिज़ाइन बना रहा है, नीचे में हम पॉलीथीन रखे हैं फ्रेंड्स, उसके बाद ही हम वर्क कर रहे हैं। तो नीचे पॉलीथीन रख के ऐसा छोटा सा डिज़ाइन बना लेंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हमने एक पेपर का बॉल जैसा बनाया है। आप इसको पेपर को अगर पॉलीथीन में डाल के अगर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने पेपर का यूज़ किया था और ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में भी कर रहा हूँ कि बनता कैसे है, और ये मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बना चुका इसको तो आप लोग भी ऐसा बना सकते हैं। बीच में मैंने ये पेपर का बॉल बना के रखा हुआ, बाद में ये निकल जाता है। तो आप इसके जगह, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप इसके जगह पॉलीथीन को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो आसानी से निकल जाएगा। तो उसके बाद मैं ये सभी तरफ सीमेंट का मिक्सर को लेप कर रहा हूँ, ये आसानी से ये पकड़ लेता है। धीरे धीरे आप जैसा आप जो रॉक को देखते हैं, पत्थर को जब देखते हैं तो उसमें डिज़ाइन जैसा होता है, अपने हिसाब से आप अपना यहाँ पे आर्ट दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, कि आप बना कैसे सकते हैं। मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ इसको, देखिएगा। और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, बिल्कुल समय नहीं लगता आपको बिल्कुल भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आप तो इसको तैयार कर सकते हैं, लगातार आप बना सकते हैं इसको, बिल्कुल भी गैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए मतलब ज़्यादा समय का नहीं लगता इसमें बनाने के लिए। और हम ये टेक्सचर बना रहे हैं फ्रेंड्स, कि पत्थर में जो ओरिजिनल पत्थर में जो भी जैसा टेक्सचर होता है, कहीं कहीं पे होल होता है, कहीं पे टूटा हुआ होता है, ये सारा टेक्सचर हमने बनाने की कोशिश किया है। ये देखिए, जो चम्मच से मैंने यूज़ किया है और पत्थर का जो भी डिज़ाइन होता है वो बनाने की कोशिश मैंने किया। आप यहाँ अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा आपको लगे कि हाँ पत्थर ऐसा होता है वो डिज़ाइन आप दे सकते हैं आसानी से। नीचे से मैं अब कुछ देर बाद, जैसे 15-20 मिनट हो गया, उसके बाद बनाते बनाते नीचे की ओर जो मिक्सचर था वो कड़ा हो चुका है, तो आसानी से मैं इसको होल कर सकता हूँ। देखिएगा, नीचे को जितना भी मैं ये सारा सीमेंट का जो मिक्सचर था उसको निकाला है और एक रॉक स्टाइल का प्लांटर मैंने तैयार किया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने इसको लगभग 5-6 दिन तक सूखने दिया, उसके बाद 1 सप्ताह तक पानी में डुबा के रखा हुआ था, उसके बाद ही हमने इसको पेंट किया है। तकरीबन 2 दिन बाद मैंने ये जो उसमें कागज़ जो डाला हुआ था उसको मैंने आसानी से बाहर निकाल लिया, और आप देख रहे होंगे इसमें काफ़ी होल हो चुका है, और एक बुनजाई के लिए बहुत ही कम होल की ज़रूरत पड़ता है, मतलब छोटा प्लांटर की ज़रूरत पड़ता है, इसमें आसानी से सॉइल आ जाएगा और हम एक बुनजाई का प्लांट इसमें लगा सकते हैं। अब वक्त आता है फ्रेंड्स, इसको पेंट कैसे करें और ओरिजिनल पत्थर का रूप हम कैसे देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये ब्लैक कलर का यूज़, ब्लैक कलर को सारे तरफ पोताई करेंगे। मैं फैब्रिक कलर यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स, फैब्रिक कलर पानी के साथ मैं करता हूँ, तो एक होता ये है कि सीमेंट पूरा सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये कभी इसका कलर निकलता नहीं है। अगर हम पॉलिश का यूज़ करेंगे तो वो
निकल जाएगा क्योंकि ऊपर ऊपर ही वो पकड़ेगा, और ये फैब्रिक कलर अंदर तक चले जाता है और कभी निकलता नहीं है। तो सब ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर मैंने सारे तरफ पेंट किया है, सभी तरफ ब्लैक कलर को मैं पेंट कर दे रहा हूँ। उसके बाद में मैं ग्रे कलर और मतलब ब्लैक कलर और वाइट कलर को मिला के मैं ग्रे कलर बनाऊंगा, और ग्रे कलर बनाने के बाद इसको टेक्सचर दूंगा। आप बाद में आप देखेंगे मैं टेक्सचर कैसे बनाता हूँ, जो ओरिजिनल पत्थर होता है उसी को हमने बनाने की कोशिश किया है। अब ब्लैक कलर पहले पोताई कर रहा हूँ मैं सभी तरफ। ये जो आप देख रहे हैं कि कलर, उसको हमने पहले बताया था मैं ग्रे कलर बनाने के लिए वाइट और ब्लैक को मिला के ग्रे कलर बनाया है, और टेक्सचर में हल्का हल्का बना रहा हूँ। यहाँ पे अपना आर्ट दिखाने की आपको ज़रूरत पड़ेगा, आप जैसा आप बना सकते हैं बनाइएगा। हल्का हल्का ब्रश चलाइएगा, ब्रश को जब पेंट में डुबाते हैं तो हल्का सा पेपर में उसको हटा लेंगे, एकदम मोटा सा कलर नहीं रखेंगे, हल्का सा कलर रख के ही टेक्सचर बनाया जाता है तभी बन पाएगा, नहीं तो धब्बा धब्बा दिखेगा। मैं पूरा डिटेल में आप लोग को बता रहा हूँ बनाया कैसे जाएगा, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैंने फास्ट तरीके से आप लोग को दिखाने की कोशिश किया है। लगभग सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, हल्का हल्का जो टेक्सचर होता है सारी तरफ बनाने की हमने कोशिश किया। ये फाइनल हमने ये एक रॉक स्टाइल का प्लांटर तैयार कर चुका है, आप देख रहे हो कि कितना ये खूबसूरत नज़र आ रहा है। हम बाद में इसमें प्लांट लगाएंगे तो ज़रूर आप लोग को ये हम शेयर करेंगे, प्लांट जब लगाएंगे इसमें बुनजाई का प्लांट, और ये बहुत ही यूनिक लगेगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आने वाला जो भी वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी हम नए नए वीडियो आप लोग के लिए लेते आते रहते हैं, तो विजिट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल में बने रहें। थैंक यू।